Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Jai Hind guys, welcome you on testbook.com and I am Nitin Mishra, your English educator. And in this class, we'll be having the last error finding series class, which you know today end hone aur aaj ke baad hum milenge mix bag ke question mein, jahan alag alag question ka ek mix bag hoga aur hum us pure mix bag ko challenge karenge within 40 seconds. So filhal aaj hum end karenge apni error detection ki practice. Humne pichle 15 dinon se error par ek bahut achhi practice ki hai, and specially for you guys, agar hum baat kare miscellaneous exercise ki to hum यहाँ देख रहे हैं कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमने की है. अब मिक्स बैग पर अपने अलग अलग क्वेश्चन पर अटेम्प्ट देख सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई गेस ये बारी है क्वेश्चन पे जाने की. बट बिफोर दैट आई गेस आप सभी जानते होंगे कि अब आपको बहुत सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है. बहुत सारे एग्ज़ाम्स एक साथ आ चुके हैं, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो. सो ग्रैब इट ऑन जो कि हमारा कैंपेन है. तो आप सभी को हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, कोई एफर्ट बाकी नहीं छोड़ना है और अपने आप को किसी न किसी एग्ज़ाम में तो एडजस्ट कराएंगे, ये वादा रहा. सो आई गेस इट इज़ टाइम टू गो टूवर्ड्स द क्वेश्चन सेशन. हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन विद अ टाइमर ऑफ 40 सेकेंड्स ऑन द स्क्रीन. सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर. ओके आंसर आने शुरू हो चुके हैं. ओके सो वी हैव मीनू, अभिषेक, नंदू, दीपक, शुभांगी, औसफ, प्रियंका, महिमा, शिखा, अश्वनी, अरविंद, अभिषेक, कोचर, सभी ने आंसर दे दिया है. लेट्स सी कि करेक्ट आंसर क्या है. ओके so guys here we have the correct answer and you can see that total 4 errors can be easily seen. aap alag alag errors dekh sakte hain. sabse pehli jo error hai wo hame nazar aa rahi hai yahan par I guess government mein aise question humne iske pehle bhi kiye hain. tamil nadu government is wrong, it should be the tamil nadu government because aap specific government ki baat yahan par kar rahe hain. एंड थोड़ा आगे बढ़ने पर आप देख सकते हैं वी हैव 10 करोड़ फॉर इमीडिएट कॉन्ट्रीब्यूशन. इट शुड बी रिप्लेस्ड विद प्रेपोजिशन. आई गेस फॉर को हम एज में चेंज करेंगे. टू रिलीफ वर्क नहीं, फॉर रिलीफ वर्क, बिकॉज जब पर्सनल बेनिफिट की बात होती है तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं. फॉर मीन्स फॉर समवन. एंड वॉज ड्रू इज रॉन्ग, इट शुड बी थर्ड फॉर्म विच इज ड्रॉन. ओके येस वैष्णवी, डेफिनेटली विल बी हैविंग सम क्लासेस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां हम आपको पैरालॉजिकल अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ सॉल्विंग RC सिखाएंगे. सो जस्ट हैव पेशेंस बिकॉज क्लासेस आगे आनी है, आपका सिर्फ पेशेंस चाहिए. हियर आई गेस आपने देखा क्वेश्चन में 4 एरर्स निकाली जा सकती हैं, सॉल्यूशन भी सामने अवेलेबल है. एंड इट इज़ टाइम कि हम अपने क्लास में दूसरे क्वेश्चन पे जंप करते हैं, चूँकि आज एरर की आई गेस सीरीज़ ख़त्म हो रही है और कल से हम मिक्स बैक पर आ रहे हैं तो जोश थोड़ा हाई होना चाहिए. सो डू टेल मी हाउ इज़ द जोश. फिलहाल विद दिस आई विल मूव ऑन टूवर्ड्स द क्वेश्चन नेक्स्ट विद द टाइमर ऑफ 40 सेकेंड्स. हियर वी हैव क्वेश्चन 2 ऑन द स्क्रीन. सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर. सो आई गेस अब यहाँ पर आंसर देने की बारी है. क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है. सो प्लीज़
जल्दी आंसर कीजिए और बताइए सही आंसर क्या होगा. वेल डन मीनू ने सबसे पहले आंसर किया है हैज ब्रोकन होना चाहिए. ओके हैज ब्रोकन होना चाहिए. ओके चलिए. ओके सो लेट्स सी आखिर क्वेश्चन में क्या एरर है. हियर यू कैन सी दैट फाइव डिफरेंट एरर्स कैन बी सीन हियर. द फर्स्ट इज आई गेस इन द प्रेपोजिशन एट हरिद्वार इज रॉन्ग. इट शुड बी आई गेस इन हरिद्वार. एंड आगे बढ़ते हैं तो हैज ब्रोकन होना चाहिए. ब्रोक इज डेफिनेटली रॉन्ग हियर. एंड थोड़ा आगे बढ़ते हैं देन वी कैन सी कि फेड रॉन्ग है. इट शुड बी फीड. एंड यहाँ पर बेगन इज रॉन्ग. इट शुड बेगन इज रॉन्ग. इट शुड बी बेगन विच इज थर्ड फॉर्म. सो दिस इज हाउ वी कैन सी द फाइव एरर्स हियर इन द क्वेश्चन. फिलहाल आई गेस यहाँ पर अपने क्वेश्चन सीरीज में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्वेश्चन को. उम्मीद है मुझे आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया होगा. एंड ओके चलो तो आंसर हमारे पास आने शुरू हो चुके हैं. एंड जो स्टूडेंट्स के आंसर हैं आप उन्हें देख सकते हैं. दे आर डेफिनेटली देयर. ओके चलिए. ओके सो डिस्कस करते हैं गाइज यहां क्वेश्चन को और देखते हैं सही आंसर क्या है क्वेश्चन का. चलिए तो फिलहाल क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है. एक बार के लिए बाहर आएंगे. स्टूडेंट्स यहां पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीटेड है. लेट मी चेक. वापस आते हैं बैक टू द क्लास. एक बार यस जस्ट गिव मी वन मोमेंट गाइस. आई एम जस्ट गिविंग यू अ बिट अपडेटेड वर्जन. ओके सो जस्ट अ मोमेंट. ओके गाइज आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट. मैं आपके साथ बना हुआ हूँ. मैं क्वेश्चन को वापस अपडेट करके वापस आता हूँ. आप यहीं पर बने रहिएगा. आई एम जस्ट कमिंग इन अ मोमेंट. आप यहाँ पर अवेलेबल होंगे. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. आई एम जस्ट गिविंग यू द सेम क्वेश्चन आंसर. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. और आप यहाँ पर बने रहिए. मैं आपके साथ हूँ. जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस. इसमें करने में मेल फॉरवर्ड कर रहा हूँ सर. अरे यार कहाँ चला गया वो. अभी तो डाउनलोड किया था.
सो गाइज चलते हैं वापस क्वेश्चन के पास और आज की प्रैक्टिस बिगिन करते हैं. सो लेट अस हैव द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन गाइज. नाउ वी हैव द क्वेश्चन विद द टाइम ऑफ 40 seconds. सो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत इंतज़ार हो चुका. अब ऑब्वियसली बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा, मुझसे भी नहीं हो रहा. सो यहाँ पर क्वेश्चन के पास चलते हैं. Here is the question on the screen. Solve it and tell me the correct answer. आपको बताना है total number of errors and क्या है उसमें गलती. Fresh question है, आज के editorial से लिया गया है, तो जल्दी से solve कीजिए और बताइए सही answer क्या होगा. Okay? So जल्दी से बताओ गाइस सही answer क्या होगा. Okay. टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है बट आपको आंसर देना है. सो जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए सही आंसर क्या होगा. ओके गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं कौन आंसर कर रहा है. प्रियंका, अंजलि एंड देन वी हैव आई गेस साई प्रसाद, नंदू, अभय आंसर कर चुके हैं. एंड इफ यू विल सी दैट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन में तीन अलग अलग गलतियां हैं. फॉर द एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोनिक स्ट्रोम जो है वो गलत है बिकॉज आप किसी कॉज की बात कर रहे हैं जो कि विद से बेटर होगा, तो फॉर का इस्तेमाल यहाँ पर गलत है. एंड और आगे बढ़ना पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट पास्ट का है, येस और नो, दैट इज़ वाई ये वर्ब प्रेजेंट टेंस में बिल्कुल गलत है. इट शुड बी इन द पास्ट टेंस. और पीपल्स का मतलब होता है आप जानते हैं कंट्री, दैट इज वाई रॉन्ग है. इट शुड बी पीपल एज करेक्ट. थ्री एरर कैन बी सीन इन द क्वेश्चन. थोड़ा समय हमने किल किया है तो थोड़ा स्पीड में रहेंगे. बढ़ते हैं टूवर्ड्स द क्वेश्चन नेक्स्ट. हियर वी हैव क्वेश्चन टू विद द टाइमर ऑन. सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर. सो लेट्स सी कि इस बार स्टूडेंट्स क्या आंसर करते हैं. जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बताइए सही आंसर क्या होगा. ओके, थैंक यू. फिलहाल 10 सेकेंड आपके पास बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए सही आंसर क्या होगा. चलिए तो आंसर आना शुरू हो चुका है. एंड द राइट आंसर इज दैट अगेन वी हैव थ्री डिफरेंट एरर्स. चूंकि हम यहाँ पर दो अलग अलग ऑफिसर को ऐड करना चाहते हैं, वन इज मिस्टर डीजी एंड द सेकंड इज मिस्टर एनके. सो ये सिंगुलर ऑफिसर नहीं हो सकते, दैट इज वाई ऑफिसर लिखना गलत है. इट शुड बी ऑफिसर्स. तो पहली गलती तो हमको यहाँ पर मिल चुकी है. दूसरी गलती है कि इन द सेंसेशनल फेक एनकाउंटर, चूंकि सेंसेशनल केस एनकाउंटर जो हुआ था वो सोर्स है, दैट इज वाई इनका इस्तेमाल गलत है. फ्रॉम होगा एंड देन आफ्टर आप देख सकते हैं थ्री अदर इज रॉन्ग. इट शुड बी थ्री अदर्स, प्लूरैलिटी के लिए हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द थ्री वेरी एरर्स. सो लेट्स बी क्विक. दो क्वेश्चन हमने देखे, आई मीन 6 अलग अलग एरर्स और केसेस हमने यहाँ पर सीखे. बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन 3. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व इट विद द टाइमर ऑन द स्क्रीन. जल्दी से मुझे बताइए सही आंसर क्या होगा. द सीबीआई की कोई जरूरत नहीं बिकॉज सीबीआई खुद में एक यूनिट है. द सीबीआई डिपार्टमेंट बताएगा जहां पर द की कोई नीड नहीं है. अगर कोई वहां पर एक रेफरेंस होता द सीबीआई ऑफ स्पेशल कोई अगर कोई रेफरेंस देते तो शायद द का इस्तेमाल कर सकते थे. नाउ हम देख सकते हैं क्वेश्चन आ रहा है सामने और आप सभी आंसर भी कर चुके हैं. अग्रीड का आंसर आ रहा है. देन वी हैव अग्रीड परी मेजोरिटी ने आंसर दिया है. तो आप देख सकते हैं आंसर है अगेन वी हैव थ्री एरर्स. अग्रीज इन प्रेजेंट टेंस रॉन्ग. इट विल बी अग्रीड इन पास्ट टेंस. टू डायरेक्ट होगा, फॉर डायरेक्टिंग होता है ना, टू डायरेक्ट फॉर डायरेक्टिंग, तो ये फॉर भी गलत है, टू डायरेक्ट होगा. एंड टू कॉन्टेस्टिंग आप जानते हैं टू के साथ आई एन जी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर टू गलत है. फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग विल बी द
राइट आंसर. और यू मे से टू कॉन्टेक्स्ट, लेकिन हम यहाँ पर जिरंड भी यूज कर सकते हैं. ईदर वन इज द चॉइस. वर्ब के रिस्पेक्ट में देखें तो फ्रॉम एक अच्छी प्रेपोजिशन है वहां पर. चलो ठीक है. ओके, बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन फोर. एंड हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर ऑन द स्क्रीन. सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर गाइस. ओके, आई गेस आप यहां पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं. एंड ओके, यस फॉर डायरेक्टिंग हो सकता है, वही आंसर है. चलिए फिलहाल 10 सेकेंड आपके पास बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए सही आंसर क्या होगा. ओके, हैव इन्फॉर्म्ड, इट हैज हैड फेल्ड. ओके, so let's see the correct answer. The error are three. First, informs is wrong, it should be informed. It ke saath have hoga nahi, to error hai. Has will be the right answer. Ab aap aage dekh sakte hain, yahan par es form ki, s form ki zarurat nahi hai. Participle itself is correct, so teen alag alag jagahon par aap amendment karke is sentence ko sudhar sakte hain. Thank you. ओके, अगेंस्ट को कोई भी गलत ना समझे, अगेंस्ट बिल्कुल सही है. ओके, चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन फिफ्थ. एंड हियर वी हैव क्वेश्चन फिफ्थ ऑन द स्क्रीन. सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर. चलिए ओके, मयंक, खुशबू, अभय, पूजा, हनी, नंदू, शिखा, साई, प्रसाद. देन वी हैव आई गेस ओके, अहमद, नंदू, गुड. सो क्वेश्चन आपके सामने है, आपको जस्टिस करनी है और आंसर देना है क्वेश्चन का. ओके, मीनू, अरविंद, पूजा, शिखा, साई प्रसाद. ओके ओके, राइट. सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर. आई गेस अगर आप क्वेश्चन को देखें तो शायद यहाँ डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जिनके बारे में बात कर रहे हैं. हैज का इस्तेमाल क्लियरली रॉन्ग है, इट शुड बी आई गेस हैव. तो पहली गलती तो यहाँ क्लियर है. आते हैं दूसरी गलती पर. थ्री साइक्लोन आप देख सकते हैं गलत है. साइक्लोन्स विल बी द राइट आंसर. एंड फर्दर आप देख सकते हैं कि अकम्पेंड के साथ प्रेपोजिशन विथ नहीं होती, बाय होती है. अकम्पेंड बाय, दैट मेक्स सेंस. एंड टू मेकिंग इज रॉन्ग, इट शुड बी टू मेक. दिस इज हाउ फोर एरर्स वर देयर. एंड आई बिलीव ये चारों एरर आइडेंटिफाई करने में डुएबल थी, ईजी थी. तो फोर एरर्स आप यहाँ देख रहे हैं. और मयंक, अभय का दो, वीरेंद्र का दो आइडेंटिफाई हुआ. ओके ओके, चलिए बाकी स्टूडेंट्स के आंसर थोड़े बेटर थे. तो फिलहाल बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन सिक्स. लेकिन अब आप सभी को और एक्यूरेट होना पड़ेगा, गलती की कोई भी जगह नहीं दी जाएगी. लेट्स सी कि सबसे पहले और एक्यूरेट आंसर कौन करता है. और हियर वी हैव क्वेश्चन सिक्स ऑन द स्क्रीन, स्मॉलेस्ट क्वेश्चन. सो आंसर एंड टेल मी विच इन व्यू इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. आखिर कितनी गलतियां हैं और क्या गलत है. ओके, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर आने शुरू हो चुके हैं. पूजा, मीनू, प्रियंका, अंजलि, देन वी हैव नंदू, अंशुल, वीरेंद्र, सबका आंसर आ चुका है. अब डिस्कस करना है कि अगर आंसर डिफरेंट है तो क्या सोचा है आप लोगों ने. फिलहाल हैड फोकस्ड पे सभी अग्री हैं. तो देख सकते हैं आपकी हैड की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट टेंस में भी पॉसिबल है. फोकस को आपको थर्ड फॉर्म में फोकस्ड करना पड़ेगा, दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेटमेंट. अब आते हैं यहां पर, कह रहा है कि
The Indian Air Force has focused on air defense in the eastern and northeastern sector with an eye. For an eye nahi hoga, it should be with an eye. Ye ek idiomatic phrase hai. With an eye hoga. And country eastern nahi, it should be countries apostrophe s hona chahiye. Yahan apostrophe s nahi hai, so it is wrong. Okay. Ek query yahan par aayi hai ki सेक्टर्स क्यों नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा. आप एक बार यहाँ पर देखिए और आर्टिकल द देखिए. आर्टिकल द एक बार इस्तेमाल हुआ है, द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न, तो इन दोनों को आपने जोड़ा है, लेकिन आर्टिकल कितनी बार लगाया है, एक बार. दैट इज़ वाई ये नाउन सिंगुलर काउंट हो गई. सो चूंकि ये नाउन सिंगुलर काउंट होगी, दैट इज़ वाई ये कभी भी सेक्टर्स नहीं होगा, और ये सेक्टर बिल्कुल सही है. ओके शुभांगी, पूजा आपने पूछा, अंशुल ने पूछा, मीनू को भी मैंने बता दिया, थैंक यू. फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ. टाइमर सेट करेंगे 40 सेकंड्स का, आंसर देंगे क्वेश्चन में कितनी एरर्स है और क्या प्रॉब्लम है. छोटी सी एरर थी अंशुल, कोई बात नहीं. क्वेश्चन 7 इज ऑन द स्क्रीन, सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर. चलिए सो आंसर आने शुरू हो चुके हैं, देखते हैं सही आंसर क्या है. ओके प्रियंका, खुशबू, नंदू, महिमा, आंसर तो आ रहे हैं बट आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं. अगर हम यहाँ पर आंसर क्रॉस वेरीफाई करें तो आप देख सकते हैं 3 एरर्स हैं सेंटेंस के अंदर. आफ्टर स्ट्रोल्स इज इम्पॉसिबल. आप जानते हैं आफ्टर के साथ जिरंट आईएनजी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, सो आफ्टर स्ट्रोलिंग विल बी द राइट आंसर. डाइड ओवर इज रॉन्ग, इट शुड बी डाइड अंडर. डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, किसी परिस्थिति के अधीन होने पर हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं, सो द प्रपोजिशन करेक्ट इज अंडर नॉट ओवर. ह्यूमन हैबिटेशन होना चाहिए, ह्यूमन हैबिटेशनल रॉन्ग है, ह्यूमन हैबिटेशन विल बी द राइट आंसर. सो द एरर्स आर 3. उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा. यस यस गुड, थैंक यू. क्वेश्चन इजी है और कॉन्फिडेंस भी है, मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज स्टूडेंट्स के आंसर अगर एक्यूरेट आते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा महसूस होता है. टाइम पर रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समय को और प्रिसाइज करने की ज़रूरत है, तो एक्यूरेसी के साथ टाइम स्पीड का भी ध्यान देंगे. बढ़ते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन 8. हियर ऑन द स्क्रीन, सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर. कोई नहीं दीपांजन, इट हैपेंस. फिलहाल देखते हैं, साई 3 में से 2 गलती आइडेंटिफाई हुई, स्वाति के सिर्फ और सिर्फ 1 नहीं चलेगा, बढ़ाना पड़ेगा. एरर्स आसान थी. ओके चलिए कोई नहीं, खुशबू फिलहाल आंसर पे बढ़ते हैं, आप आंसर करते जाइए, सभी स्टूडेंट आंसर करें कि आखिर सही आंसर क्या होगा. ओके सो आपने तो आंसर दे दिया, क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में सबसे पहली गलती है सब्जेक्ट, चूंकि सिंगुलर है तो फिर आपको वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ेगा, एस का इस्तेमाल करना ज़रूरी है. वर्षा वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं. अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल किया है, जिसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि विच का इस्तेमाल तब पॉसिबल है जब आप कोई नॉन इसेंशियल क्लॉज बनाए, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज बनाए, जबकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है. अगर मैं इस पार्ट को विच द लीडर्स ऑफ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी डेलिबरेटली मिसमैनेज द सिचुएशन, अगर मैं इस भाग को सेंटेंस से हटा दूं तो सेंटेंस की मीनिंग अफेक्ट होगी, यानी सेंटेंस अधूरा माना जाएगा. दैट इज़ वाई ये क्लॉज इसेंशियल क्लॉज है, जो कि दैट से बनता है. विच की ज़रूरत यहाँ पर हमें नहीं है.
एक और तरीका था विच का इस्तेमाल करने से पहले, हम आपको पता है कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, क्या यहाँ कॉमा था? नहीं, कॉमा यहाँ पर नहीं था, तो ऑब्वियसली विच गलत है, दैट का इस्तेमाल सही होगा। और आगे बढ़ने पे टू पॉलिटिकल गेन्स रॉन्ग है, फॉर पॉलिटिकल गेन्स सही होगा, बिकॉज फॉर के रखने से पर्पस की जो मीनिंग है सामने आ रही है, टू गेन्स नहीं, फॉर गेन्स विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से तीन एरर आप यहां देख सकते हैं। ओके राकेश, आप कोशिश करो, आप डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप एरर ना निकाल पाएं, चीज़ें उतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आपकी ओर से एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा क्लास का फॉर्मेट आपकी मदद करता है। बढ़ते हैं टूवर्ड्स द क्वेश्चन 9 हियर ऑन द स्क्रीन विद द टाइमर ऑन, सो सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। ओके ओके मैं आपका क्वेश्चन नोट कर चुका हूं, इस पर वापस आऊंगा, डिस्कस करूंगा, फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सो आपके पास टाइम खत्म हो रहा है, इट इज टाइम टू बी इन हेस्ट, और जल्दी से आंसर कीजिए, बताइए सही आंसर क्या होगा। ओके ओके तो अब देखना है कि सही आंसर कौन दे पाता है। फिलहाल क्वेश्चन आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो एरर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या वो सही है। सो अगर आप देखें तो कह रहा है कि द वेबसाइट ऑफ टू पावर्स, इट शुड बी वेबसाइट्स नॉट वेबसाइट, क्योंकि दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की एक सिंगल वेबसाइट नहीं पॉसिबल है, तो कॉन्टेक्स्ट को सही करने के लिए वहां वेबसाइट्स का होना जरूरी, कंपनी अगर डिफरेंट है तो उनकी वेबसाइट कॉमन कैसे हो सकती है। ओके एंड वाज हैक्ड गलत है, इट शुड बी वर हैक्ड, बिकॉज वेबसाइट्स वर हैक्ड, जब यहां पे प्लूरल रखेंगे तो यहां भी वर का इस्तेमाल होगा। ओके अब देखिए यहां पर कह रहा है उनके कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस, तो देयर का इस्तेमाल नहीं है, पॉसेसिव टी एच ई आई आर का इस्तेमाल होगा, उनके कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशंस, कम टू अ स्टैंड स्टिल नहीं होगा, कमिंग टू अ स्टैंड स्टिल होगा, एंड दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू। मुझे लगता है क्वेश्चन का जो डिफिकल्ट पार्ट था वो शायद आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए, बाकी सब तो मुझे नजर आता है बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि वो तीनों एरर डुएबल एरर्स हैं, आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। यस दीपांजन, वो मिस हो सकता है। वापस बैक आते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करना था, आप चाह रहे थे यहाँ पर ये डिस्कस करना कि यहाँ भी तो आर्टिकल एक बार है, तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो मैं फिर से कह दूँ, पुणे और बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो अगर यहाँ रीड करके देखी, कॉमन सेंस से ज़्यादा इसे बेटर करा जा सकता है अगर मैं यहाँ पर एक और द लिख दूँ। मानता हूँ इसको लिखने से क्लैरिटी आ रही है, अग्री करता हूँ, और सेंटेंस तभी शायद कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप एक्सेप्ट कर पाओगे, लेकिन नहीं भी करता हूँ तो पुणे एंड बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब ये कि पुणे की कॉन्स्टिट्यूएंसी और बारामती की कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड वैसे द लगाना ज़्यादा बेटर होगा, आई अग्री विद दिस, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी प्लूरल ही होगा बिकॉज आपने दो अलग अलग शहरों का नाम लिया है। ओके तो दिस इज हाउ आप यहाँ पर हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। अगर पुणे में है इनके सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो डिफरेंट है, इसीलिए मैंने क्लैरिटी के लिए कहा कि आप तब द लगा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन, आई गेस नाइन्थ भी डिस्कस हो चुका है, टेंथ क्वेश्चन का डिस्कशन करना बाकी है, सो होप यू गाइज आर रेडी। हियर वी हैव क्वेश्चन 10th ऑन द स्क्रीन, सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। ओके थैंक यू। चलिए
तो क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो चुका है एंड स्वाति अभिषेक एंड शुभ पॉल अरविंद का आंसर भी आ चुका है पूजा महिमा देन वी हैव अरविंद अंशुल शिखा अभय साई प्रसाद वर्षा सभी ने आंसर देना शुरू कर दिया है ओके आई होप आपने स्क्रीन पर अपने आंसर को इवेल्युएट कर लिया होगा दैट द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज देयर आर फाइव डिफरेंट एरर्स सबसे पहले इंडिया सेकेंड मून मिशन नहीं इंडिया का सेकेंड मून मिशन तो अपोस्ट्रॉफी एस की रिक्वायरमेंट है दिस इज हाउ इंडियाज कहना ज्यादा बेटर होगा एंड फर्दर टू साइंटिफिक कम्युनिटी इज रॉन्ग फॉर साइंटिफिक कम्युनिटी विल मेक सेंस हियर तो टू का इस्तेमाल गलत है फॉर का इस्तेमाल सही होगा ओके एंड हैज बीन गोइंग जो टेंस है वो बिल्कुल गलत है हैज गॉन विल मेक सेंस हियर एंड टिल देन रॉन्ग है टिल नाउ होगा बिकॉज टिल देन पास्ट में जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है नहीं हैज गॉन नहीं था इट शुड बी हैज बीन गोइंग आई गेस यस थैंक यू तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन का सही आंसर दैट इज फाइव डिफरेंट एरर्स इन द क्वेश्चन चलिए तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नेक्स्ट हियर वी हैव क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर चलिए तो जल्दी से आंसर दीजिए सही आंसर क्या होगा ओके प्रियंका चलिए तो दिस इज हाउ आंसर भी आने शुरू हो चुके हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट आंसर तो आ ही रहे हैं लेट्स सी कि सही आंसर क्या होगा ओके एंड द करेक्ट आंसर इज दैट देयर आर अगेन फोर डिफरेंट एरर्स और आप अगर एरर को यहां पर ध्यान से देखें तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे एंड द करेक्ट आंसर इज कि अगर हम यहां क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट हैज ऑफ ऑल क्लास ऑफ मोटर व्हीकल्स हैव बीन ब्लॉक तो रजिस्ट्रेशन ब्लॉक हुआ है तो हैव गलत है हैज होगा सबसे पहले तो ये आप ध्यान दें ऑल क्लास रॉन्ग है ऑल क्लासेस सही होगा एंड इनका इस्तेमाल गलत है विद डेटाबेस होना चाहिए एंड इशू जो है वो नाउन है ये एरर बहुत मुश्किल वाली एरर द इशूइंग का मतलब है इशू करने में जो दिक्कत है और इशू का मतलब मुद्दा तो यह मुद्दा नहीं इशू करने को सर्टिफिकेट को इशू करने में जो मुसीबत है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं सो इशूइंग एक्शन को डिनोट करेगा एंड विल बी द राइट वर्ड फॉर द क्वेश्चन ओके थैंक यू होप आपको समझ आया होगा बढ़ते हैं टुवर्ड द क्वेश्चन नेक्स्ट एंड हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 ऑन द स्क्रीन सो सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर अभिषेक मनुजा बिल्कुल राइट थैंक यू प्रियंका गुड सुध आर्शन बिल्कुल सही ओके सो क्वेश्चन का आंसर बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एरर्स कितनी हैं थोड़ा फॉर्मेट अजीब सा है बट आपको ओवरऑल प्रैक्टिस मिल जाती है ऐसे सेशन से वैसे ही सेशन का आज लास्ट डे है हम कल से मिक्स बैक पर प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड मुझे याद है आपने स्टार्टर्स के बारे में क्वेश्चन कहा था तो मिक्स बैग को मैं स्टार्टर के फॉर्म में भी रखने की कोशिश करूंगा सो आंसर डिस्कस करते हैं हियर वी कैन सी फोर डिफरेंट एरर्स सबसे पहली एरर है यहाँ पर कोर्ट्स विच इज रॉन्ग इट शुड बी कोर्टेड एंड इंक्लाइनिंग इज रॉन्ग इट शुड बी इंक्लाइंड पास्ट टेंस में हम यूज कर सकते हैं एंड वोट फॉर होता है ना कि वोट टू एंड
नेक्स्ट अगर हम बात करें सजेशंस की ज़रूरत नहीं है, हैज़ सजेस्टेड एक्शन विल मेक सेंस, तो ये चार इम्प्रूवमेंट सेंटेंस में आपको करने होंगे. थैंक यू, वेरी गुड गाइज. So this is how you can see the correct answer as four errors can be identified and you can improve it accordingly. So guys, aap badhte hain next question ki taraf, question 13. Let's be in speed and solve karte hain question. Here we have question on the screen, solve it and tell me the correct answer. ऑब्वियसली कल मिक्स बैग है तो टाइम थोड़ा सा आपको बढ़ के मिलेगा ताकि आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे. फिलहाल सेंटेंस में मुझे लगता है कि 30 और 25 सेकंड्स कम इनफ होते हैं, दैट इज़ वाई थोड़ा सा मैंने कम मार्जिन रखी है. ओके, सो अब आकांक्षा, अंशुल, राजेश, साई, पंकज सभी ने आंसर देना शुरू कर दिया है. पूजा, शुभो, दिव्या, युखी एंड शिखा, मीनू का भी आंसर आ चुका है. Okay, so let's see the correct answer, and the correct answer is to moving is wrong, to move is right. Weakening is wrong, weaken in past participle is good. As hona chahiye na ki with, aur speed gone up ki jagah speed going up to hona chahiye because process hai, so going will make sense here. सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन पर जो हमारे आंसर हैं वो है फोर डिफरेंट एरर्स आर देयर इन द क्वेश्चन. एंड इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, फिलहाल मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस मिक्स बैक के फॉर्म में करें, मिसलेनियस के फॉर्म में करें. ऑप्शन चूँकि इसमें काम नहीं आता तो ये एक अच्छी ओवरऑल प्रैक्टिस कराता है हमारे टॉपिक्स की. फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे पॉज करते हैं एंड हम ये जानेंगे कि आगे आने वाली क्लासेस कौन कौन सी हैं. तो उत्कर्ष सर की क्लासेस आपको मिलेगी जहां वो प्रीवियस ईयर के एसबीआई पेपर को डिस्कस करेंगे फ्रॉम 5:30 टू 6:15, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल रहा है. एंड उसके बाद सचिन सर की क्लासेस आपको मिलेंगी ठीक 6:30 पर, जहां वो भी शायद पेपर डिस्कस करेंगे आपके साथ रीजनिंग सेक्शन में. तो क्वांट का पेपर डिस्कस होगा और रीजनिंग का पेपर डिस्कस होगा. देन 8 बजे आपको परिकल्प सर की क्लासेस मिलेंगी कोडेड इनइक्वालिटी की, और प्रतिभा मैम की क्लास आपको मिलेगी 9 बजे जहां वो वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे. तो दीज आर द फोर अपकमिंग क्लासेस. आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस. होप You like the session, आपने प्रैक्टिस भी होगी. कल से मिलेंगे मिक्स बैग स्टार्टर के क्वेश्चन के साथ. हैव अ फैंटास्टिक एकेडमिक जर्नी, डू वेल इन द एग्जामिनेशन, वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टली. दिस इज टेस्ट बुक एंड आई एम नितिन मिश्रा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू, जय हिंद गाइज.